का ये आयोजन संस्था पुरुषार्थ के सभी से ये आयोजन सभी के मन पर अमित छाप छोड़ रहा है। संस्था पुरुषार्थ द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न स्थलों का समापन समारोह दिनांक 7 अगस्त को आचार्य परम पूज्य श्री जितेंद्र नाथ जी महाराज गणमान्य लोगों की उपस्थिति राष्ट्र संत परम पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज परम पूज्य जितेंद्र नाथ महाराज जी ने अपने आशीर्वाद मध्य प्रदेश में वयोवृद्ध समाज सेवी श्री विश्वहारिया एवं किया गया तथा संस्था जो हम इसका अनुशासित कार्यक्रम देख रहे हैं 650 कार्यकर्ता विभिन्न जो व्यवस्थाओं में हम सब देखते हैं कोई भी निकल जाता तो अनंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा आदिशक्ति माँ जगत जननी मंचा सिंह यावर रामचंद्र भगवान हमारे गीतों के माध्यम से भजन के माध्यम से भी और अपने मन से अपने दिमाग से अपने हाथों से अपनी उंगलियों का एक सुनहरा पल होगा कि आगे भी बहुत बहुत अभिनंदन आराम से लिखे हैं पूरा समय है जब संस्कारों के साथ व्यक्ति जुड़े रहे और हमारी जो भारतीय संस्कृति संस्कार है ये कहीं ना कहीं अध्यात्म ब्रॉड माइंड देता है। अध्यात्म हमेशा सफलता देता है, अध्यात्म हमेशा शांति देता है। ये अपनी आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ये जरूर ये ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन हमारे नानू राम जी ने रखा है। क्या इसके पीछे क्या इसमें आयोजन था, क्या कराया गया? इसमें अभी तक ऐसा सम्मान किसी का हुआ नहीं जो ब्राह्मणों का सम्मान हुआ है। आज 501 मंदिर के ब्रह्म देवता यहाँ आकर उनको सम्मानित किया गया है। सामूहिक राम लेखन हुआ है। अभी तक 60 करोड़ जो लेखन हुआ उस राम नाम का लेखन का कार्य पूर्ण हुआ है। कम से कम नहीं करे तो 1 अरब पूरा नाम लेखन का पूरा संकल्प हमारे नानू राम जी ने लिया है। मैं चाहूँगा कि ईश्वर पूरे इंदौर के घर घर से राम नाम का लेखन निकले और पूरे भारत में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आजकल बहुत आज सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रति बहुत भटका है, आकर्षण बहुत है। मैं जाता हूँ, विदेशों में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, अब वो लोग हमारे तरफ आ रहे हैं लेकिन हम लोग उधर जा रहे हैं। मूल कारण ये है कि हमारे संस्कारों से दूर हो गए। हमारे घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता नहीं रहे, हमारे घर में दादा दादी अगर हो तो पहले बच्चों से रामायण गीता भागवत कुरान पढ़वाते थे, लेकिन आज वो हमने पूरी परंपरा बंद हो गई। हम लोग एजुकेटेड बहुत हो गए, शिक्षित हो गए, लेकिन सुशिक्षित नहीं हो गए। जहाँ अशिक्षा के कारण हम लोग आज अज्ञानता के ओर अधर्म के ओर जा रहे हैं। हम स्वयं ही नशा करके जीवन का विनाश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्य जो है व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक प्रकाश के रूप में संजीवनी के रूप में उनको प्राप्त होगा, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पहली बार राम कथा को सुनने के लिए अपार जनसमूह उमड़ा। राम कथा का ये आयोजन संस्था पुरुषार्थ के सभी से ये आयोजन सभी के मन पर अमित छाप छोड़ रहा है। संस्था पुरुषार्थ द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न स्थलों का समापन समारोह दिनांक 7 अगस्त को
आचार्य परम पूज्य श्री जीतियावर रामचंद्र भगवान। बस ये कहता हूँ, आप फिल्मों के गाने पिक्चर टीवी देखने से क्या होता है, जिस तरह से फिल्मों के गाने टीवी देखने से कुछ नहीं होता है, इसी भाव के साथ आप राम नाम का भी उच्चारण करें। ये पत्रक है गीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से भी, और अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने हाथों से, अपनी उंगलियों का एक सुनहरा पल होगा। यादव जी बहुत बहुत अभिनंदन, आराम से लिखे हैं, पूरा समय है। जब हम